आज किसी ने एक प्रश्न किया था सुबह, गुरुदेव अगर भगवान के मंदिर जाना है हमको और शरीर में अगर कष्ट है, शरीर में अगर रोग है, शरीर में अगर बीमारी है, शरीर में अगर दुख है, शरीर में अगर कष्ट है, तो क्या नहाना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कह रही है, मत नहाओ, स्नान कर लो। मत नहाओ, स्नान कर लो। नहाने में और स्नान में जमीन और आसमान का अंतर है। बाथरूम में गए, साबुन लगाया, शैम्पू लगाया और ये सब लगाने के बाद में तुमने जो तुम्हारे ऊपर पानी उंडेला, इसको नहाना कहते हैं। ठीक है, जो तुमने साबुन लगाया, शैम्पू लगाया, पानी डाला, उसको नहाना कहते हैं। और मंदिर में गए अर्थात आप बाथरूम में ना जाकर भी सवेरे से उठे और उसकी भक्ति में लीन होकर दिल से उसको याद कर और मान लो मुंह धोकर भी भगवान के दरवाजे तक पहुंच गए तो उसको स्नान कहा जाता है। कर लिया ना बहु, नहीं है ना शरीर में बल? एक पत्र में लिखा है किसी ने, मैं बदनावर धार के पास बालोदा में रहती हूं, मेरा नाम शांति बाई कुमावत है, कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाएं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम शांति बाई कुमावत है, गुरुदेव आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं और घूम रही हूं, ये शिव की ही कृपा है, शंकर की कृपा है। मैं कैंसर से पीड़ित हूं, बहुत सारे अस्पतालों में मेरा इलाज हुआ है, ऐसा कोई हॉस्पिटल गुजरात का, राजस्थान का और महाराष्ट्र का नहीं जहां पर मेरा इलाज नहीं हुआ। रह रहकर कैंसर उपज रहा था, परेशान हो गई थी गुरुदेव, तब बाबा की कृपा से डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे शरीर में और ऑपरेशन का दम नहीं बचा, इसलिए अब तुम भगवान के ही सहारे जियो। और डॉक्टर ने अगले ऑपरेशन करने से मना कर दिया। मैं घर आ गई, शिव महापुराण की कथा सुनी और गुरुदेव अब मैंने भी विचार कर लिया कि ये शरीर मैंने शंकर को दे दिया। और गुरुदेव एक बेलपत्री शिव जी पे चढ़ी हुई अपनी पोती से बेटों से बुलवाती और उस बेलपत्री को जल के साथ खाना चालू कर दिया। दो कदम भी नहीं चल पाती थी क्योंकि कैंसर के ऑपरेशन इतने हुए थे। गुरुदेव आज मैं इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हूं, ये शिव की ही कृपा है, ये शंकर की करुणा। एक बात बहुत सुंदर आपने लिखा है शांति भाई जी, माता जी, कि गुरुदेव जांच भी कराई, अब डॉक्टर बोल रहा है तुम तो ठीक होती चली जा रही हो, ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, अब बाबा की यह कृपा हुई है, यह करुणा। बैठो मां, बैठो, हर हर महादेव, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता है, ये शंकर की दया है, ये शिव करुणा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का काल, उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला कभी भी भटकता नहीं है, शिव उसको मार्ग तक पहुंचा ही देता है।
पहुंचाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव कमेंट बॉक्स पे अवश्य लिखें। धन्यवाद।